नमस्कार मित्रों, बिहार में जो अभी की राजनीतिक व्यवस्था है और बिहार में अभी विश्व शराब कांड हुई छपरा में और मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ा शायद 70-80 है, लेकिन जो आंकड़ा है कुछ रिपोर्टर के माध्यम से और रिपोर्टर के माध्यम से जो आंकड़ा है वो लगभग 100 के पार है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी में शराब कहाँ से आता है, कौन लोग शराब को ला रहे हैं, कौन शराब को बेच रहे हैं, इसमें मुख्य सरगना कौन है? आज तक पुलिस और प्रशासन इसको पता करने में असफल रही है, इसके नेटवर्क को तोड़ने में असफल रही है, लेकिन लाख शराबबंदी है, लेकिन एक संवेदना जो हर व्यक्ति में होना चाहिए कि अगर कोई मरता है तो उस मृत लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं होती हैं। हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां देश के दुश्मन भी अगर मरता है तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारा कल्चर है कि मरने के बाद हम उसको गाली नहीं देते हैं और उसके प्रति श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से एक ऐसा हवा चल रहा है कि शराब पीने वाले के मेरी से मरने वालों की मेरी कोई संवेदनाएं नहीं है। हमें लगता है ऐसा लिखने वाला कोई संवेदनशील इंसान तो नहीं होगा, ऐसा लिखने वाला निश्चित रूप से समाज का वैसा कलंक होगा जिसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, राजनीति का मतलब एक विचार होना चाहिए, और विचार जो लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ कुर्सी और कुर्सी के लिए नहीं। जिंदगी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इतिहास में आप जो करेंगे वो इतिहास हमेशा दोहराता रहेगा। गांधी जी के बातों को मानने का तो सब नेता संकल्प लेते हैं कि हम गांधी जी के राहों में चलते हैं। गांधी जी ने कब कहा था कि अगर इस तरह का कांड हो उस कांड में अपनी संवेदनाएं व्यक्त न करिएगा, आप बोलिएगा कि अच्छा हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाला राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और बिहार की जनता को भी देखना होगा कि देश में राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए है या राजनीतिक लोगों की सेवा और भाव के लिए है? राजनीतिक में सबसे बड़ा विचार होता है, और जब आपके विचार मर जाएंगे, विचार आपके नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप मनुष्य नहीं, आप एक भेड़िया से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। लोग यहां मरते हैं, हम बिहार के हैं, अगर हमारी संवेदनाएं हमारे बिहार में मरने वालों लोगों के लिए है तो बात होती है, जब बिहार की तो बात होने लगती है गुजरात की, बात होने लगती है उत्तर प्रदेश की, बात होने लगती है झारखंड की। यार झारखंड की बात करते हो,
उत्तर प्रदेश की बात करते हो, महाराष्ट्र की बात करते हो, तो कब तुमने बिहार को महाराष्ट्र बनाने की कोशिश की? कब तुमने बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की? कब तुमने बिहार को पंजाब हरियाणा बनाने की कोशिश की? यार, अगर तुलना करना है तो ऊंचाइयों से करो। इस राज्य में इतना मरा है यार, हमको उससे क्या मतलब है? हमारे राज्य में कितने लोग मरे हैं, इसके प्रति आपका क्या संवेदनाएं हैं, इसके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, इसको ना बताइए। आप बताएंगे गुजरात में, आप बताएंगे महाराष्ट्र में, तो बिहार के आप महाराष्ट्र से बढ़िया है कि आप अमेरिका का बताएं, आप चीन का बताइए। राजनीतिक अगर करना है तो राजनीति का एक दायरा होना चाहिए, राजनीति का एक क्या कहा जाता है, राजनीतिक में एक संवेदनाएं होना चाहिए। राजनीतिक में जो अभी आप लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कभी इस जाति को गाली दीजिए, कभी उस जाति को गाली दीजिए, यार एक दूसरे को गाली देता है इसका दर्द नहीं होता है क्या? अपराधी की जात खोजी जाती है, देश में सेना की जात खोजी जाती है, राज्य में पुलिस की जात देखी जाती है, किस जात के एसपी आए हैं, किस जात के डीएम आए हैं, किस जात के थाना प्रभारी आए हैं, किस जात के बीडीओ आए हैं, इस जात को देख करके आप इस देश का, इस बिहार का क्या करना चाहते हैं? कल सदन में चीख चीख के हल्ला करते थे और आज तमाशा देख रहे हैं। राजनीति की ये नहीं है, जो सत्य हो वो जरूर बोलिए। हो सकता है कि आज आप सत्ता में ना हो, लेकिन जिस दिन आप सत्य बोलने को उतारू हो जाएंगे, सत्य बोलने लगेंगे, एक ना एक दिन जनता आपको जानेगी, और इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के आपकी सरकार नहीं बनेगी। सच्चाई एक दिन जीतती है और आप सही रूप से सत्ता में आएंगे। सिर्फ गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। गांधी जी का क्या बात मानते हैं आप? गांधी जी का आप क्या बात मानते हैं? सड़कों पे छात्र को पीट दीजिए, लाठी चलवा दीजिए, छात्र रोजगार मांगेंगे तो ठंडे में वाटर कैनन चलवाइए, लाठी चलवाइए, यही गांधी जी सिखाते थे क्या? मैं एक बार फिर करता हूं, मेरी संवेदनाएं हैं छपरा में मरने वाले जितने भी लोग हैं हमारे बिहारी, ओनली फॉर जात, बिहारी जात के जितने भी लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, सभी को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हो सकता है मुझे राजनीति के में कोई जगह न मिले, मगर बोलने से भी अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो मेरा जमीर हमको धिक्कारेगा, मेरा जमीर हमेशा हमको गाली देगा। इसी के लिए मैं शराब बंदी का नहीं, इस शराब के नीति का विरोध करते हैं। चाहे मुझे कोई रखे न रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य है, मैं दलाल नहीं हूं, मैं दलाली नहीं करूंगा, और जो हकीकत होगा वो बोलूंगा। जिसे मुझे रखना होगा रखेगा, जिसे मुझे हटा देना होगा हटा देगा, लेकिन जो सत्य है वही सत्य रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।